पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक बयान दिया है, जिसके बाद से ही मध्य प्रदेश का सियासी पारा गर्माने लगा है। बयान में दिग्विजय सिंह ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन किया है, जिसके बाद से ही बीजेपी के नेताओं द्वारा दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी दोनों पर निशाना साधा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं आयुध मीडिया। जिस पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि जिस पीएफआई ने देश में आतंकी गतिविधियां फैलाई उससे कांग्रेस की हाथ मिलाई पर जनता धुलाई करेगी। यह कांग्रेस का आतंक प्रेमी इकोसिस्टम है जो विदेश में हमास से हमदर्दी और देश में पीएफआई से प्रेम दिखा रहा है। चुनावी माहौल के बीच लगातार दिग्विजय सिंह बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपने ही शब्दों को लेकर सफाई देनी पड़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को उज्जैन में साधु संतों द्वारा गौ माता की रक्षा के लिए निकाली गई यात्रा में शामिल हुए थे दिग्विजय सिंह। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यदि पीएफआई के ऊपर आरोप है तो 10 छापे मारे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देखने में आ रहा है कि इन्होंने जितनी भी छापेमारी की है उनमें 97% में आरोप झूठे पाए गए हैं। बात यह है, यदि पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए। जिसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार दिग्विजय सिंह को और कांग्रेस पार्टी को घेरा जा रहा है, और अभी इन्हीं सबके चलते दिग्विजय सिंह ने भी इस पूरे मामले को लेकर सोशल साइट एक्स पर ट्वीट करके सफाई दी है। और उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया संगठनों द्वारा पूछे गए सवाल पर मेरे जवाब को गलत तरीके से कोट किया जा रहा है जो कि मैंने नहीं कहा। सांप्रदायिकता भड़काने वाले संगठन पीएफआई का मैंने कभी समर्थन नहीं किया है। मैं धर्म के नाम से सांप्रदायिकता फैलाने वाले व्यक्ति संगठन के खिलाफ हूं और सदैव रहूंगा। अब इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी इसी मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह पर सवाल खड़े किए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रियंका गांधी जवाब दें कि क्या कांग्रेस पार्टी पीएफआई जैसे देश विरोधी संगठन का समर्थन करती है। देखिए ये वीडियो। मैं प्रियंका जी से सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पीएफआई टेरर फंडिंग करती है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, बैन लगा हुआ है, देश की दुश्मन है, और उस पर कार्रवाई अगर होती है तो दिग्विजय सिंह विरोध करते हैं। क्या यही कांग्रेस के स्टैंड है? आतंकवादियों को महिमा मंडित करना, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करना, पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध करना, आप मध्य प्रदेश आ रही प्रियंका जी जवाब देना पड़ेगा, क्या दिग्विजय के बयान से आप सहमत हैं? क्या पीएफआई पर कार्रवाई का कांग्रेस विरोध कर रही है? इसके बाद अब हाल ही में नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया है। वे कहते हैं कि पीएफआई और हमास तो बहाना है, कांग्रेस का काम आतंकियों को बचाना है। मिश्रा ने कहा कि तुष्टीकरण का खेल कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है। हमास के खास क्यों देंगे देश का साथ? पीएफआई और हमास तो बहाना है, कांग्रेस का काम आतंकियों को बचाना है। तुष्टीकरण से प्रेम, यही है कांग्रेस का असली गेम। चिंता की भी बात है और ये निंदा की भी बात है। जिस तरह से मोहब्बत की उनकी दुकान के ये मैनेजर है ना, दिग्विजय सिंह जैसे लोग, बंटाधार करके ही मानेंगे, ये और कुछ करके मानेंगे नहीं। कमलनाथ जी क्यों खामोश है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। कमलनाथ जी ये तो बड़े भाई छोटे भाई है, कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो दिग्विजय सिंह के इस बयान से इस्तफाक रखते हैं कि नहीं रखते।
और ऐसी मौज चलेगी नहीं, जनता सब देख रही है। आगे कहते हैं कि मामले में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी स्पष्ट करना चाहिए कि ये चिंता और निंदा किस बात की है। स्पष्ट कायदे से कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी करना चाहिए कि आप इनके दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत हैं या आपकी पार्टी सहमत है। हम आपको बताते हैं कि जिस पीएफआई को लेकर ये पूरी चर्चा हो रही है, आखिर ये है क्या। दरअसल पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है जिसकी स्थापना 2006 में हुई। वैसे तो ये संगठन अपने आप को पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला बताता है, पर आपको बता दें कि भारत की शांति भंग करने वाले मामलों में शायद ही ऐसा कोई मामला हो जिसमें इस संगठन का हाथ ना हो। चाहे बाबरी मस्जिद गिराए जाने के समय की बात हो या इस साल CAA और NRC को लेकर माहौल खराब करने की बात हो, या फिर दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में दंगा कराने की साजिश, PFI ही इन सभी के लिए जिम्मेदार ठहराई जा रही है। PFI को स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी की बी विंग भी कहा जाता है। साल 1977 में संगठित की गई सिमी को 2006 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद से ही माना जाता है कि मुसलमानों, आदिवासियों और दलितों का अधिकार दिलाने के नाम पर इस संगठन का निर्माण किया गया। ऐसा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि PFI का जो कार्य करने का तरीका है, उसका जो काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल सिमी जैसा ही है। और शायद यही वजह है कि ये मामला राजनीति में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। इसके अलावा आयुध इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी मौजूद है, अगर आपने उसे वहां फॉलो ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। धन्यवाद।